प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में जो आज टॉपिक हम लोग लेंगे वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो सकता है कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जब देखेंगे तो वहाँ पर सर्कल और ट्राइंगल की कनेक्टिविटी जब देखेंगे, कहने का मतलब इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप इन पे पढ़ रहे होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से सर्कम रेडियस, इन रेडियस और एक्स रेडियस की बात जब करते हैं तो ज्योमेट्रिकली और ट्रिग्नोमेट्रिकली जब आपको पता होगा तभी आप दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। तो जो पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो ज़रूर ध्यान दें कि जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कार्डिजियन प्रोडक्ट कार्डियन सिस्टम में जाएंगे, शुरुआत में जाएंगे, तो वहाँ पर इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। वो बहुत ही माइन्यूटली और अच्छे तरीके से तभी समझ में आने वाला है जब आप यहाँ पर भी ध्यान देंगे। तो आज हम लोग ट्राइंगल और सर्किल की कनेक्टिविटी और ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग जो सर्किल होंगे वो डिस्क्राइब करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, और उनके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस होगी उस रेडियस को जो नाम देंगे वो किस आधार पे नाम देंगे ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, सर्कम रेडियस बेसिकली होती क्या है, एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की वर्टिसेस से होते हुए जाए। बात को ध्यान दें, ट्राइंगल की वर्टिसेस से होके जो गुजरे, यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया गया एबीसी, उसकी वर्टिसेस से होके गुजरा मतलब ट्राइंगल के सर्कम स्क्राइब है, ट्राइंगल के परिवृत्त है, बाहर नहीं है, बाहर मतलब बिल्कुल बाहर, ये परिवृत्त है मतलब बाउंड्री के आस से पास होते जा रहा है, मतलब वर्टाइसिस से पास होते जा रहा है, इसलिए इसको बोले सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल इस सर्किल का सेंटर कैसे आने वाला है तो ध्यान दें, सर्कम सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स हम लोग अभी यहां देखेंगे कि साइड बाइसेक्टर और वो साइड के परपेंडिकुलर भी हों, वो क्या होंगे, साइड परपेंडिकुलर, साइड बाइसेक्टर। हमने यहां पे एक नया वर्ड यूज किया, परपेंडिकुलर, साइड बाइसेक्टर, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कम सेंटर। ठीक है, तो हम लोग किसी ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, एक ट्राइंगल यहां पे लिया गया एबीसी, ऑब्लिक ट्राइंगल है। अगर ये ट्राइंगल इस तरीके से कंसीडर किया जाए तो ज्यादा और बेहतर आपको समझ में आएगा। परपेंडिकुलर यानी कि दी हुई साइड के लंबवत हो, 90 डिग्री पर हो, और साइड बाइसेक्टर उसको आधा भी करे। तो जैसे हमने ये ट्राइंगल लिया तो साइड बाइसेक्टर मतलब आधे पे हम लोग यहाँ कहीं जा पाएंगे, जैसे यहाँ रहे तो हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, एक हमें कन्फ्यूजन होता कि यहाँ से हम हर चीज़ को इससे वर्टाइसेस से कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए हमने ये ट्राइंगल लिया, अब इसके परपेंडिकुलर जाएंगे तो यहाँ पर जा पाएंगे। इसका इससे इससे पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है इससे मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर होना चाहिए और साइड को क्या करे, बाइसेक्ट। ठीक है, ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। अब हम यहाँ पर इस वाली साइड से एक परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर लेंगे तो वो भी आप देखिए ऐसे होगा कहीं लगभग ऐसे, ये तो ये जाके ओ पे मिला, तो ये जो ओ हुआ परपेंडिकुलर साइड, और एक यहाँ पर भी होगा ऐसे, तो तीनों के साइड परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर अंदर कहीं मिलेंगे तो वो पॉइंट क्या होगा, सर्कम सेंटर ओ। तो हमने यहां पे सर्कम सेंटर ओ ले लिया,
वो परपेंडिकुलर साइड बैक सेक्टर से निकल के आया है। इतनी बात समझ आई? अब सर्कम सेंटर से किसी भी वर्टाइसेस तक की दूरी, किसी भी वर्टाइसेस तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कम रेडियस। मतलब यहां पर ओ ए, ओ बी, ओ सी, आर है, इसी को हमें ध्यान देना है, यही हमें कैलकुलेट करनी होती है प्रॉपर्टीज और ट्राइंगल में, यही ओ ए, ओ बी और ओ सी ही कैलकुलेट करनी होती है। जो सर्कम सर्किल के सेंटर से किसी भी एंगुलर पॉइंट, किसी भी वर्टाइसेस तक की दूरी होती है। ये बात को आप ध्यान दें, समझे कि कैपिटल आर क्या है। अब कैपिटल आर को कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हम लोग ध्यान देंगे। अभी अभी हमने देखा देखा कि सर्कम सर्किल करस्पॉन्डिंग टू अ ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल अगर दिया गया है तो उसका सर्कम सर्किल क्या होगा, ये देख लिया कि नहीं देखा? उसका सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होगा ये देख लिया, सर्कम रेडियस क्या होगी ये भी देख ली। अब सर्कम रेडियस कैपिटल आर को डिराइव कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे आया है ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम लोग देखेंगे। अगर हम इस सर्किल और उसके अंदर एक ट्राइंगल बनाएं, उसको ध्यान दें, तो नाइन्थ स्टैंडर्ड पर जाएंगे तो हमने देखा था कि जो सर्किल के सेंटर पे जो को एंगल डिस्क्राइब होता है वो सर्कमफ्रेंस यानी परिधि पे बना हुए कोण के दोगुने के बराबर होगा। क्या पढ़ा था हमने? एंगल बी ओ सी टू टाइम्स बी ए सी के। ओके, तो यहाँ पर भी यही देखें, ये एंगल ए है, एंगल ये क्या हो जाएगा टू ए, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया तो ये कितना आएगा ए। ओके, ये वाली अगर ये ए है, ये थीटा है, ये तो कितना आ जाएगा टू थीटा। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान पहले से जानते हैं। अब ये साइड बाइसेक्टर है, अगर ये ए है, सामने वाली किसी भी एंगुलर पॉइंट के अपोजिट, ए के अपोजिट ए होगी, ये हमारा साइड बाइसेक्टर है, मतलब आधा आधा डिवाइड कर रहा है, तो ये a बाई टू हो गया। क्या हो गया? a बाई टू। अब इस ट्राइंगल पे हम फोकस करेंगे, ट्राइंगल ले रहे हैं, आपको ध्यान देना है, ये d था, ये 90 डिग्री है, ये o है और ये b है, ये हमने r लिया और ये हमारा a एंगल है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। मगर इनिशियल लेवल पे अगर आप हैं, कॉन्सेप्चुअली अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनिस, बेस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई अगर नहीं कर पाते तो यहाँ पर चूक हो जाएगी। जैसे पूछा जाए कि बेस कौन सा होगा, तो बहुत सारे लोग बीडी को बेस बताएंगे, और हम ट्राइंगल को देखो थोड़ा सा टर्न करते ऐसे, तो जब ऐसे टर्न करेंगे तो ये पॉइंट डी हो जाएगा, ये उठ के ऐसे गया, ऐसे ऐसे चला गया तो बी हो गया, और ये ओ हो गया, ओ पे जो एंगल डिस्क्राइब है वो ए है। तो अगर जब ऐसी स्थिति में ये ट्राइंगल 90 डिग्री क्लॉक वाइज रोटेट किया गया तो ये आ गया। अब देखिए इसको आप बेस बोलेंगे, इसको आप, ये तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनिस है ही, और इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो यही ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनिस है। ठीक है, तो हमें जो निकालना है वो कैपिटल आर निकालना है। क्या निकालना है? कैपिटल आर जो यहाँ पर है। ठीक है, एंगल दिया गया, हाइपोटेनिस निकालनी है। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना दिया गया? ए बाई टू। कितना दिया गया? ए बाई टू दिया गया कि नहीं, हाफ था कि नहीं? तो आप साइन ए लें तो परपेंडिकुलर ए बाई टू अपॉन हाइपोटेनिस कैपिटल आर। हमें निकालना क्या है? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर आ गया ए अपॉन टू साइन ए। बात को ध्यान देने वाली पोजीशन पे हम लोग आ गए, यानी फार्मूले को ड्राइव कर लिया। अगर आप फार्मूले को जनरलाइज बेस में देखेंगे, आर बराबर ए अपॉन टू साइन ए,
बी अपॉन टू साइन बी और सी अपॉन टू साइन सी। कैपिटल आर, इसी को बोलते हैं कैपिटल आर, इम्पॉर्टेंट फार्मूला। शुरुआत हो गई हमारी, हाँ चलिए यहाँ पर मतलब बोला था हमने बी, लिखने में सी हो गया, यहाँ पर हमने सही किया था। तो ये फार्मूला लगभग मतलब ये अगर काट दे तो साइन रूल बन जाएगा। अब हमें यह ध्यान देना होगा कि कहाँ पर साइन रूल लगाएंगे और कहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग फार्मूला जो प्रूव कर चुके हैं वो आर बराबर ए अपॉन टू साइन ए और बी अपॉन टू साइन बी और सी अपॉन टू साइन सी। एक अगर फार्मूला अगर देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, वन बाई टू बी सी साइन ए, साइन ए के साथ बी सी आएगी, साइन बी के साथ ए सी आएगा, साइन सी के साथ ए भी आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे साइन ए लें तो साइन ए बराबर टू डेल्टा अपॉन बी सी हो जाएगा। अब अगर हम कैपिटल आर को देखें यहाँ पर तो ए अपॉन टू साइन ए है, तो ए अपॉन टू टाइम्स साइन ए की वैल्यू रखें टू डेल्टा अपॉन बी सी, ये आगे चला ऊपर चला जाएगा ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा, कैपिटल आर ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा। कैपिटल आर के यही दो टाइप के फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। ट्राइंगल ए बी सी में साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ऑप्शंस पे एक बार नजर डालें तो यहाँ पे कैपिटल आर के बारे में तो हम लोग अब जान गए, एस के बारे में एक बार फिर से बताते थे, एस इज सेमी पैरीमीटर, सेमी पैरीमीटर, पैरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये सेमी है तो इसका 2s कर देंगे, ठीक है। तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई टू, जहाँ पर भी आएगा इसको आपको ध्यान रखें, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए जनरली तो हम लोग को साइन रूल दिमाग में आता है, मगर ऑप्शन देखें तो कैपिटल R का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी कि फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस होंगे, कैपिटल R के टर्म में हमें कैसे भी लाना होगा और s भी लाना होगा, तो हम लोग क्या करें बताइए। हाँ आर पे ध्यान दें, आर बराबर ए अपॉन टू साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा ए अपॉन टू आर, उसको वहाँ पे जाके रखें जाके, तो साइन ए की जगह ए अपॉन टू आर रखेंगे, साइन बी की जगह बी अपॉन टू आर रखेंगे, साइन सी की जगह सी अपॉन टू आर रखेंगे। टू आर क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया ए प्लस बी प्लस, अभी हमने बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू बराबर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, एस अपॉन क्या होगा आर हो गया। तो आर हमें हिंट दे रहा था कि जो भी हमें साइन रूल ना लगा के हमें किसके टर्म में जाना है, इस टर्म में जाना है। तो जब भी साइन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम ऑप्शन पर नज़र डालेंगे, अगर वहाँ पर आर की बात आती है, सरकम रेडियस की बात आती है, तो आप साइन रूल ना लगा के ये वाला रूल लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझना। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको पेशेंसली पढ़ेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे तो ज्योमेट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपको समझना होगा। तो इसकी लैंग्वेज पर हम लोग एक बार आप इतना से पढ़ लीजिए, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस वो ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं क्या हों, आपस में बराबर हों, इक्वल हों, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए एक ट्राइंगल हमने कंसीडर किया और उसकी सर्कम सर्किल की बात कर रहा है, तो ट्राइंगल के अबाउट सर्कमस्क्राइब एक सर्कल होगा। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया, वो ट्राइंगल पी क्यू आर है, यहाँ पर P, Q और इधर R। अब उसने बोला कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब हमने माना दिया भी गया है, माना क्या दिया है यहाँ पे PQ बराबर PR, ये दोनों साइड्स क्या हैं बराबर हैं, ओके। और उसने बोला कि उसकी रेडियस
वो भी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। यानी जो रेडियस है, जो सर्कम सर्किल की रेडियस आर लेंगे, वो आर किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू और पी आर के। ये बात समझने वाली है, दोनों भुजाओं की लेंथ, लेंथ ऑफ दीज टू साइड्स इज गिवन इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, दैट इज सर्कम सर्किल, देन इट इज सर्कम रेडियस कैपिटल आर। देन एंगल पी, इस एंगल के बारे में हमें बताना है, एंगल पी क्या होगा ये हमें बताना है। अब हमारा आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो दो साइड्स बराबर हैं, तो इसके अपोजिट एंगल आर और इसके अपोजिट एंगल क्यू। ये पहले से लिख लेते हैं कि एंगल क्यू और एंगल आर आपस में पहले से बराबर हैं, क्योंकि हमें दिया गया है ये एंगल बराबर हो गए, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, ठीक, तो सर्कम रेडियस की बात कर रहे हैं तो साइन रूल लगाएंगे। अब साइन रूल क्या कहता है कि कैपिटल आर जो है, ठीक, ए अपॉन टू साइन है पढ़ा था, तो ए का मतलब क्यू आर, क्यू आर अपॉन, तो इसके अपोजिट टू साइन पी, ओके। बी तो मतलब अगर पी आर ले रहे हैं तो उसके अपोजिट, पी आर के अपोजिट कौन होगा भाई, क्यू होगा, तो 2 साइन क्यू ले लेंगे। और अगर पी क्यू लेते हैं तो सिमिलर उसके अपोजिट कौन होगा, आर हो जाएगा, तो पी क्यू अपॉन 2 साइन आर, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें इस रिलेशन को, तो पी क्यू को ही आर के बराबर अगर लिया गया, तो इसको इसके साथ अगर उठा लें, या इसको इसके साथ उठा लें, या इसको इसके साथ उठा लें, किसी को एक को एक साथ उठा लें, तो आर बराबर हमने पी आर अपॉन टू साइन क्यू लिया, ओके। अगर ध्यान दें तो पी आर किसके बराबर दिया गया है, आर रेडियस के बराबर, तो आर से आर कैंसिल हो गया। अगर इस रिलेशन को ध्यान दें तो साइन क्यू बराबर वन बाई टू आ गया। अगर साइन थीटा बराबर वन बाई टू होता तो थीटा निकाल पाएंगे भाई, कितना होगा पाई बाई सिक्स। अब देखो वहां पे पहले से ध्यान रखा है कि आर और क्यू क्या है, बराबर है, तो दो एंगल हो गए 30-30, और तीनों एंगल का सम क्या होगा, तीनों एंगल का सम भाई पी प्लस क्यू प्लस आर जो है वो पाई हो जाएगा। अब दो एंगल का सम क्या हो जाए, हो चुका है पाई बाई, एक का सिक्स है दूसरे का भी पाई बाई सिक्स है, तो हमें आर एंगल निकालना है, तो आर बराबर पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो अगर आप क्या निकालना है, पी निकालना है, चलिए पी निकालना है, तो पी पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो अब आप कैलकुलेट कर चुके हैं टू पाई बाई थ्री, पी एंगल टू पाई बाई थ्री, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज में पूरा खेल था, आपने ध्यान दिया, क्वेश्चन को पढ़ के सबसे मेन बात है कि डायमीटर, जब भी हमने पढ़ा तो डायमीटर पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो, तो सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं कि डायमीटर होता क्या है। तो कोई भी सर्कल दिया गया है तो सेंटर से कोई भी अगर कॉर्ड पास हुई, जैसे यहाँ पर ए बी पास हुई, सेंटर ओ है, तो कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से होके गुजरे पास हो, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो यहाँ पर ए बी को हम डायमीटर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मगर जनरली जब क्वेश्चन में हमें बात को ध्यान दें, जनरली जब भी क्वेश्चन में अगर डायमीटर की बात होती है तो कॉर्ड पे फोकस नहीं करते हैं, डायमीटर का मतलब है उसकी लेंथ, जब ये वर्ड लिया गया डायमीटर, तो डायमीटर से यहाँ पर हम लोग इंटेंशन है कि उसकी लेंथ, तो डायमीटर जो है रेडियस ये है और रेडियस ये है, ये भी रेडियस और ये रेडियस, तो कितनी रेडियस से मिलके बना, हाँ तो टू रेडियस से मिलके बना, पता टू आर, तो डायमीटर की लेंथ जो होगी 2r होगी, तो r निकालना है और r का क्या करना है 2r कर देना, बात समझ आएगी नहीं, तो हमें r निकालना है, तो r बराबर, अब देखो यहाँ पे a दिया गया, b दिया गया, c दिया गया, तो साइन का कोई चक्कर तो है नहीं, तो ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा करेंगे, हमें r निकालना है कि 2r, तो 2r करेंगे तो ए बी सी अपॉन 2 डेल्टा हो जाएगा, और यही क्या हुआ,
डायमीटर हुआ, यही निकालना है। तो ए बी सी दिया ही गया है 5, 6, 7/2 डेल्टा। अब डेल्टा देखो कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू क्या, रूट के अंदर एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और जहां पर एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, थ्री नहीं टू। तो यहां पर 5 + 6 + 7/2, 11 और 7 18, 18 बटे 2 9। ठीक है, कैलकुलेटर में फटाफट कर लेते हैं, रखते जाइए। एस 9 हुआ, 9 में से गया कितना 5, 4 हुआ, 9 में से 6 गया 3 हुआ, 9 में से 7 गया 2 हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, और इधर क्या रूट 6 हो गया। ठीक तो हुआ 6 रूट 6 हुआ कि नहीं हुआ बताइए भाई, नहीं कैलकुलेट हुआ तो यहाँ पर रख दें हम लोग, कैलकुलेट करें कि नहीं करें, कर लें। तो ये देखो यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं 5, 6, 7/2 × 6√6, तो ये इससे चला गया। ठीक है, 7 × 35 और 35 / कितना 2√6, अभी भी मैच नहीं खाया बताइए, तो यही होगा। हाँ ठीक, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो भाई यहां पे नन ऑफ दिस आ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल कि हम तो हम लोग थोड़ा सा मतलब मिड में आ चुके हैं, अगर आप शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं मारुला क्लासेस के इन सारे सेशंस को, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। और जैसा कि बताया गया कि पढ़ने का तरीका अगर नहीं आपको पता है तो आप मावला क्लासेस के वीडियो जब चैनल पे आएंगे तो आप वीडियोस में जाएंगे या प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में हम लोगों ने बाइनोमियल, तो होल कोर्स ऑफ बाइनोमियल डाला है, लिमिट ऑफ होल कोर्स ऑफ लिमिट, वैक्टर एलजेब्रा, होल कोर्स ऑफ वैक्टर एलजेब्रा, अब टिक्नोमेट्री के वीडियोज़ वहाँ पर डाले जा रहे हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके जहाँ पर होल कोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक लिखा है, जो भी टॉपिक आपको फॉलो करना है आप उसको फॉलो करेंगे तो फिर आप प्रॉपरली उस प्लेलिस्ट के उस टॉपिक को पूरा पूरा फॉलो करें। और उसके लिए हर, मैंने बोला कि हर एक लेक्चर को हर एक वीडियो को कम से कम एक दिन, जब तक आप एक दिन नहीं देंगे मतलब एक बार उसको देखें और फिर आप एक टारगेट बना लें कि आज इस दिन इसी पर कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन हमें अपने टेक्स्ट बुक्स पर करने हैं। और फिर हमने बोला भी है उनसे, उन बच्चों से मैंने बोला है कि बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं बोलते हैं कि वहाँ पे इसलिए हम लोग नहीं फीडबैक देते हैं कि शायद रिस्पांस ना आए, तो रिस्पांस नहीं आता है बट आप अपना रिस्पांस अगर देते हैं तो हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद उसी डिमांड के साथ जब भी आगे और सेशन लेने वाले होते हैं तो उन अगर वो कठिनाइयों को, वो कोई अगर कमी रह गई हो, तो कोई त्रुटि हो रही है जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको हम लोग पूरा पूरा दिल से प्रयास करते हैं। तो आप बेशक वहाँ पे अपनी चीज़ को रखिए, नाइस वीडियो अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये सारे कमेंट्स प्लीज़ मत दीजिए। जहाँ पर आपको कमी लगे, कोई भी चीज़ आपको डिमांड है आप वहाँ पे रखिए, बेशक रखिए, जैसे कि हम लोग आपको अच्छा दे पाएँ। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, बटरिंग नहीं करनी आपको, यहाँ पे नहीं बताना कि हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको हमसे कितना ले सकते हैं मैक्सिमम उसके बारे में फोकस करना है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें।